कंगना रनौत की, जो फिल्म इंडस्ट्री में नाचने गाने का जो काम करती हैं, लोगों का जो मनोरंजन करती हैं, लोगों का जो इंटरटेनमेंट करती है, वो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत बेबाक तरीके से, मुंह फट तरीके से अपने मुंह में जो जो भी कुछ आता है वो बोलकर चली जाती है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। और अब जो है इस मुंह फट महिला ने, जो नाचने गाने वाली है, जो है इस महिला ने पूरे पूरे भारतवर्ष के लोगों का अपमान करा है, और पूरे जो है इसने इसके ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए, क्योंकि इसने जो है कहा है अपने ट्विटर हैंडल से, ट्वीट किया है कि संविधान की वजह से जो है देश आगे नहीं बढ़ रहा है, संविधान की वजह से जो है देश विकास नहीं कर रहा है। तो मैं इस महिला से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो आज ये जो कंगना रनौत जो है फिल्म इंडस्ट्री में बैठकर वहां जो अपना नाचने गाने का काम कर रही है, और उससे जो पहले भी जो पढ़ने का इसको अधिकार, जो भी ये जितनी भी एक दो क्लास या दस क्लास जो भी पढ़ी हुई होगी, ये जो पढ़ने का इसे अधिकार मिला है ये संविधान की वजह से ही मिला है, और आज ये जो नाचने गाने का काम बॉम्बे में कर रही है, ये नाचने गाने की आजादी भी इसको संविधान से ही मिली है। इस अनपढ़ महिला को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लेना चाहिए। अभी तक ये मनु के विधान को पढ़ रही होगी, मनु के विधान को इसके दिमाग में होगा, तो इस अनपढ़ महिला को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लेना चाहिए, भारतीय संविधान पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसे जो खाने पीने का अधिकार भी है वो भी संविधान से मिला है। ये जो छोटे छोटे कपड़े पहनने का अधिकार, फ्री और स्वतंत्रता घूम रही है, स्वतंत्र घूम रही है, ये भी अधिकार इसे संविधान से ही मिला है। और ये जो जो ये विदेशों में स्वतंत्र होकर यात्रा कर रही है, हवाई यात्राएं कर रही है, ये भी सारे जो इसे अधिकार मिले हैं, ये सारे अधिकार इसे जो है संविधान से मिले हैं। ये यौवन अवस्था में चल रही है ये महिला, तो इस महिला को जो है अपने पति के कब्जे में रहना चाहिए था मनु स्मृति के अनुसार, तो इसको जो है ये जो स्वतंत्र घूम रही है, अपने पिता के कब्जे से भी बाहर घूम रही है, अपने पति के कब्जे से भी जो बाहर घूम रही है, तो ये जो इसे स्वतंत्र घूमने का जो अधिकार मिला है, ये भी इसको जो मिला है ये संविधान से मिला है। क्योंकि मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ मनु स्मृति, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में जो है मनु स्मृति जो है वो बसी पड़ी हुई है, भरी पड़ी हुई है। तो मैं मनु स्मृति के इसके जो विधान है उसके बारे में जो अध्याय चार है, अध्याय चार के श्लोक नंबर चार में लिखा हुआ है, इस अनपढ़ गवार जाहिल महिला को जो अपनी चमड़ी के आधार पर वहां नाच गाने का काम कर रही है, मैं इसको बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारे काले कानून में जो मनु ने जो लिखा है, तुम्हारे बाप जो मनु लिख के गया, काला विधान जो लिख के गया, उस विधान में महिलाओं की बस से बदतर स्थिति थी, महिलाओं को शूद्रों से भी, एससी एसटी ओबीसी के लोगों से भी नीचे रखा गया था, महिलाओं को जंगल में जिस तरीके से जंगल राज होता है, और जंगल राज में किसी को कुछ कोई नियम कानून कायदे नहीं होते, जो चाहता है वो करता है, महिलाओं के साथ में वही जो है वही शोषण होता था, वही शोषण ये मनु जो है अपने विधान में लिख के गया है। महिलाओं को कोई स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, महिलाओं को जो है साफ कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को कोई भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को एक जानवर से भी बदतर स्थिति बनाई हुई थी मनु स्मृति में, राम राज में। और इनके राम राज में तो महिलाओं को घर से बाहर लताड़ दिया जाता था, घर से बाहर फेंक दिया जाता था, चाहे वो महिलाएं 8 महीने से गर्भ से हो या 7 महीने गर्भ से हो, उसकी स्थिति को भी नहीं देखा जाता था। मनु स्मृति के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 44 में लिखा, स्त्रियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में नहीं देखना चाहिए, यानी पुरुषों को जो स्त्रियां हैं उनको विशेष रूप से नहीं देखना चाहिए, उनके साथ भोजन नहीं करना चाहिए, और उनके उनको भोजन करते हुए नहीं देखना चाहिए, उनको छींकते हुए नहीं देखना चाहिए, उनको जमाई लेते हुए नहीं देखना चाहिए,
आराम से बैठी हुई सही मुद्रा में जो महिला आराम से स्वतंत्र बैठी है उस मुद्रा में भी पुरुषों को महिलाओं को नहीं देखना चाहिए। काजल लगाने अगर कोई महिला कोई स्त्री जो है काजल लगा रही है उस महिला और स्त्री को कोई नहीं देखे, ये महिलाओं की स्थिति मनुस्मृति में लिखी हुई है और मनुस्मृति के अनुसार जो विधान यहाँ लागू था ये महिलाओं की स्थिति बनी हुई थी। अध्याय नंबर इस मनुस्मृति के अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 58 में लिखा हुआ है, जिस स्त्री को संतान ना होने के कारण संतान की इच्छा से नियोग के लिए प्रस्तुत होती है उस स्त्री को देवर और सजातीय पुरुष से सहवास कर लेना चाहिए। यानी महिला को एक एक जो मैं शब्द अपने मुंह से मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं महिला हूं और मैं जानती हूं कि महिला का सम्मान महिला का क्या अपमान होता है, तो महिला के शरीर को बेचने का जो यहाँ इस मनुस्मृति में लिखा हुआ है वो इस श्लोक में लिखा हुआ है। और आगे चलकर इसी मनु ने लिखा है महिला मनु ने लिखा है अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 59 में, जो पुरुष छोटे अथवा बड़े भाई की विधवा स्त्री से नियोग करता है उसे रात्रि में शरीर पर घी मलकर तथा मौन रहकर सहवास करना चाहिए। ऐसा सिर्फ पुत्र पैदा करने के लिए करना चाहिए। मैं यहाँ कंगना रनौत और पूरे भारतवर्ष की महिलाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो स्थिति महिलाओं की स्थिति तो SC ST OBC यानी शूद्र समाज से भी गिरी हुई स्थिति बनाई हुई थी। सिर्फ महिलाओं को बच्चा पैदा करने की एक मशीन बनाया हुआ था। वो कोई भी पुरुष आपके पति से अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो आपके देवर या आपके जेठ या आपके जो भी परिवार के लोग हैं जो बच्चा लड़का पैदा करना चाहता है वो किसी भी महिला के साथ से, ऐसा ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति के अध्याय नंबर 9 और 3 श्लोक नंबर 3 में लिखा हुआ है कि बाल्य अवस्था में यानी उसका बचपन जो है महिला जो है जो छोटी बच्ची है उसकी जो है सुरक्षा उसका पिता के हाथ में होनी चाहिए। यौवन अवस्था में जो है उसकी सुरक्षा जो पति के हाथ में होनी चाहिए और वृद्धा अवस्था में जो है महिला की जो रक्षा का काम जो करेगा उसका वो बेटा करेगा। तो यानी जो ये कंगना रनौत जैसी फिल्म इंडस्ट्री में या दुनिया पूरे देश विदेशों में सैकड़ों हजारों की संख्या में जो ये नाचने गाने वाले जो लोग घूम रहे हैं हवाई यात्राएं कर रहे हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं था। ये सिर्फ अधिकार जो मिला था ये संविधान की वजह से मिला था, वरना तो आप तो बाल्य अवस्था में अपने पिता की सुरक्षा में होती और यौवन अवस्था अब आपकी चल रही है यौवन अवस्था में आप अपने पति की सुरक्षा में होती और जब वृद्धावस्था हो जाती तो आपके पुत्र आपको कोई स्वतंत्र घूमने का अधिकार नहीं था, आप कहीं जा नहीं सकते। अभी तो पूरी दुनिया घूम मारी होगी। कंगना रनौत अपनी अकल को सही करो। और अभी अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 13 में लिखा हुआ है कि देर रात तक सोते रहना, यानी कोई महिला अगर देर रात तक सोती है तो वो महिला जो है दूषित स्त्री कही जाएगी, उस महिला को दूषित स्त्री माना जाएगा। इसका मतलब ये हो गया पूरी फिल्म इंडस्ट्री में और जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो देर रात तक सोती हैं यानी जो है सवेरे जल्दी नहीं उठती हैं तो वो सारी महिलाएं दूषित हैं। ये काला जो कानून जो लिखा हुआ मनुस्मृति में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपको अपनी मर्जी से जो सो रही हैं आलीशान बंगलों में और अपनी मर्जी से जो जाग रही हैं ये भी आपको संविधान की वजह से ही मिला है, वरना तो काले कानून मनुस्मृति में तो आप दूषित महिला हैं, आपका कोई वो नहीं है अस्तित्व। और इसने आगे चलकर मनु ने लिखा है अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 14 में कि स्त्रियां किसी भी पुरुष के मतलब स्त्रियों की ऐसी स्थिति बनाई हुई थी राम राज्य में मनु के राज में मनुस्मृति में कि स्त्रियां किसी भी पुरुष के साथ सहवास के लिए उपस्थित होती हैं। यानी जो दूषित महिलाएं जो देर रात तक सोती हैं वो महिलाएं दूषित होती हैं, चरित्रहीन महिलाएं होती हैं और वो ऐसी घूमती रहती हैं और वो किसी भी पुरुष के साथ सो जाती हैं, सोने के लिए वो रहती हैं। तो मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि
ये जो फिल्म इंडस्ट्री में जो अनपढ़ लोगों की संख्या ज्यादा है और ये लोग अपनी अकल को सही कर लें, कंगना रनौत जैसे लोग जो है अपनी अकल को दुरुस्त कर लें। अगर आप जो भी कुछ है आज संविधान की वजह से हैं, संविधान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, माँ सावित्री बाई फूले ने, माँ फातिमा बेग ने, माँ पन्ना धाय के त्याग ने और माँ रमाबाई के त्याग ने ही आप उनके त्याग की बदौलत आप बॉम्बे जैसे शहर में बैठी हुई छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, अपने स्वतंत्र घूम रहे हैं, आपके ऊपर कोई कुछ आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। तो ये वरना तो आपके जो विधान है जिसको आप बहुत अच्छा विधान मानते हैं, जिसको आपकी सरकारें जिन जिन सरकारों की आप चाटुकारिता करते रहते हैं वो लोग तो कायम मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे हम जो है। और मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हालांकि हर देश में 50% नारी शक्ति होती है, महिला शक्ति होती है, लेकिन भारतवर्ष में तो जो है संविधान लिखने से पहले ये स्थिति महिलाओं की बनी हुई थी, जो 50% नारी शक्ति थी उसको दबाया जाता था, उसको शोषण करा जाता था, उसको अपने पैरों तरह कुचला जाता था, उसको दला जाता था। और ये कंगना रनौत जैसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का आपने अपमान करा है, आपको पूरे भारतवर्ष के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि मैं अनपढ़ गंवार होने की वजह से मैंने भारतीय संविधान नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इस तरीके की मैंने भाषा का प्रयोग करा है, इस तरीके से मैं पूरे भारतवर्ष की जितनी भी महिलाएं, मैं आप सबसे मेरी कहना है कि जो भी हम आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, हम कोई भी हैं, हम एक ग्राम प्रधान से लेकर हम देश के जो राष्ट्रपति बन रही हैं, हम जो लोकसभा की स्पीकर बन रही हैं, हम जो सांसद बन रहे हैं, हम एमपी एमएलए बन रहे हैं, हम मंत्री संतरी जो बन रहे हैं, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट मिले। आज जो हम संपत्ति रखने का अधिकार मिले, ये सारे जितने भी राइट्स हैं, महिलाएं जो हैं आईपीएस अधिकारी बन रही हैं, महिलाएं जो हैं आज जो है नासा में जा रही हैं, ये सारी जो है अधिकार जो मिले हैं हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने संविधान में लिख कर गए हैं। आज जो हम एक अगर हमारी शादी हो जाती है और कोई हमें आगे जो हमारे पति है या जो आगे फैमिली है हमें इस तरीके से मिलती है कि हमारे विचार नहीं मिलते हैं, तो हम स्वतंत्र हैं तलाक लेने के लिए, ये भी हमें जो है हमें संविधान से मिला है। और हम ये हर जगह जहां स्वतंत्र हम घूम रहे हैं, हमारे मान सम्मान जो हमें मिला है वो हमारा सारा संविधान से मिला है, इसलिए हमें किसी पत्थर की मूर्ति ने, किसी पत्थर की प्रतिमाओं ने हमें कोई सम्मान नहीं दिया, हमारा कोई विकास नहीं करा, हमारी जो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जो भी और शैक्षणिक जो भी स्थिति हम जो भी मजबूत है वो सब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो बच्चे कुर्बान हुए उन बच्चों के खून से लिखे हुए संविधान की वजह से आज हम आगे बढ़े हैं, आज हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम जागरूक हुए हैं, आज हम शिक्षित हुए हैं। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ सभी मेरी जो है महिलाओं से कि ये सब हमें छोड़कर हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है उसके विषय में सही जानकारी लेनी चाहिए। और कंगना रनौत को अपने हैंडल से उसको अपने ट्विटर उससे हटा देना चाहिए और इसको माफी मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों को बेबाक होकर उल्टे सीधे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। ये भारतवर्ष में कैसी स्थिति बन गई है करीब 6-7 साल से कि अब इस भारतवर्ष में नाचने गाने वाले लोग जो अपनी गोरी चमड़ी गोरी काया के आधार पर जो है नाचते गाते हैं लोगों को रिझाते हैं वो लोग अब ये तय करेंगे कि ये जो है देश जो है संविधान की वजह से जो है आगे नहीं बढ़ रहा है या संविधान की वजह से जो है ये देश विकास नहीं कर रहा है या ये नाचने गाने वाले जो अनपढ़ जो लोग हैं ये लोग तय करेंगे कि क्या जो है ये देश जो है संविधान से चलेगा या मनु के काले विधान मनुस्मृति के अनुसार चलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।